मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी मार्क्यू का। हमने न्यू न्यू एसी लिया है, ठीक है, 5 स्टार 1.5 टन एसी लिए हैं, ठीक है। अभी मैं आपको कैरियर, जो कि 10 साल से हम एसी यूज कर रहे हैं, कैरियर का विंडो एसी, उससे भी कंपेयर करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। और ये मैं जो फ्लिपकार्ट को मैं ईमेल करने वाला हूँ वीडियो को, ठीक है। ये फ्लिपकार्ट के जो मार्क्यू का जो कस्टमर केयर नंबर है उसको भी हम ये मेल करेंगे। और तब से देखिए, मैं शुरू में दिखा दूँ, ये तब से इसकी गाड़ी जो है 14.9 पे फंसी हुई है भाई, देख लीजिए। ये हम यहाँ पे टेम्परेचर सेंस करने के लिए डिजिटल थर्मोमीटर लगाए हुए हैं, 16 पे हमने सेट कर रखा है। और टर्बो मोड में देखिए रखे हैं भाई, ठीक है, टर्बो मोड में देख लीजिए, यहाँ पे हमने इसको सेट करके रखा है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। और ये लगभग 15 मिनट नहीं आधा घंटा हो गया होगा, ठीक है, आधा घंटा से हम इसको लगा के रखे हुए हैं ताकि टेम्परेचर, आप कम से कम ये मुझे बताइए कि ये आखिर रूम जो है मेरा, रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखिए ये 8x9 का रूम है, ठीक है, मतलब लगभग 90 स्क्वायर फीट के आसपास रूम है। आप एक बात मुझे बताइए, इस रूम को टेम्परेचर को ठंडा करने में, इस रूम को सराउंडिंग को ठंडा करने में टर्बो मोड में कितना समय लेना चाहिए? आधा घंटा बहुत हो गया, बहुत, ठीक है। लेकिन इसमें कोई कूलिंग जैसा कोई बात ही नहीं आ रहा है, आप इसलिए मैं कह रहा हूँ। तब से देखिए कहाँ फंसा हुआ है इसकी गाड़ी, 14.6। अभी इसको ग्रिल टेम्परेचर इतने देर में, कम से कम यहाँ पे जो है, यहाँ पे सो होना चाहिए था 6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, ठीक है। 2 मिनट का वीडियो बन चुका है अब तक में भी, गाड़ी वहीं फंसी हुई है इसकी, ठीक है। अब चलिए मैं कैरियर का अपना एसी दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे घर में 2 एसी है, एक तो ये सड़ा वाला एसी हम लेके फंस गए, इतना घटिया सर्विस है जिप्स वाले का, माथा पागल हो गया। आपको मैं दिखाऊंगा अभी, ईमेल भी दिखाऊंगा मैं, इससे मैंने लॉन्ग वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें भी देखिएगा कि इतना पुअर रिस्पॉन्स है कि कोई टेक्नीशियन नहीं आता है, एकदम लगभग 10 दिन से परेशान है कि भाई उठा के ले जाओ डब्बा, ठीक है, मेरा पैसा दे दो, ठीक है। लेकिन ये फ्लिपकार्ट वाले भी वैसे ही हो गए हैं, और जिप्स वाले भी इतना घटिया सर्विस, इतना घटिया अनस्किल्ड टेक्नीशियंस को भेजे थे, इंस्टॉलेशन कैसे किया पता नहीं, प्रोडक्ट का रिव्यू भी खराब कर रहा, और जो कस्टमर सपोर्ट तो खैर एकदम घटिया है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक। अब ये देख लिए ना आप, देखिए अभी भी देखिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, देखिए यहां पे भी ये 14.8 फंसा हुआ है इसका गाड़ी, देख रहे हैं ना, 14.8 में, और 16 टर्बो में चला रहे, बताइए। ये अब तक 5 मिनट होने को है जब से मैं ये शूट कर रहा हूं, कम से कम ग्रिल टेम्परेचर तो ले जाओ भाई, ग्रिल टेम्परेचर तो यहाँ पे मुझे दिखा दो, कम से कम 6 या 7 दिखा दो, मैं थोड़ा तो सेटिस्फाई हो जाऊँ, लेकिन नहीं, ठीक है। और कंप्लेन देखिए दिखाते हैं आपको, आइए, रिटर्न भी मारे हुए हैं लेकिन ये लोग जो है होल्ड कर दिए हैं मेरा, देखिए यू रिटर्न कर चुके हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट और अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। देखिए कितना दूर पे है, सिस्टम ऑफ हो गया, रुकिए एक मिनट, हाँ ये देखिए, रिफंड रिजेक्ट, रिफंड, इधर मजाक चल रहा है कि भाई तुम कैसे रिफंड रिजेक्ट कर दोगे, इतना सड़ा एसी भेजे हो, पैसा वापस करो चुपचाप से, ठीक है, सिंपल सी बात है। हम ये वीडियो ईमेल में अटैच करेंगे, ठीक है, और अभी ईमेल भी आपको दिखाते हैं, आइए ये देखिए ईमेल, ठीक है, 12 मई को, 10 को इंस्टॉलेशन हुआ था, 10 मई को, 12 मई का देखिए ईमेल मारे हैं कि मेरा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर 18 मई को किए हैं, फिर उसके बाद जो है 18 मई को हमने जब यहाँ पे बोला कि मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊँगा और उसके बाद जो है बहुत सारा वीडियो रिव्यू बनाऊँगा, उसके बाद ये लिखे हैं कि आपका कंप्लेन आईडी ये है, सॉल्व किया जाएगा 3 दिन के अंदर, 3 दिन क्या 4 दिन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टाइल है, मतलब कि जीप्स वालों का, फ्लिपकार्ट इतना, मतलब कि इतना घटिया एसी बना दिया। चलिए यहाँ आप चलते हैं और दिखाते हैं फिर से कितना गया है। तो देखिए अभी भी ये जो है 14 में ही अपना घर नहीं छोड़ रहा है, 14 पे ही फंसा हुआ। चलिए आप चलते हैं, इसको मैं यहाँ से खोलता हूँ और अपना कैरियर वाले एसी में भी थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ कि उसका क्या परफॉर्मेंस है, दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए तो इसको हम यहाँ से उतार लेते हैं, इसको खोल लेते हैं, भाई इतना सड़ा प्रोडक्ट दिए हो, कम से कम सर्विस तो दो, प्रॉब्लम है अगर एसी में, क्या प्रॉब्लम है देखो आकर के, मजाक चल रहा है क्या। देखिए वहाँ भी हमने 16 पे चलाया था, यहाँ पे भी कूल मोड में 18 पे चलाया है, ठीक है। ये हमारा कैरियर का देखिए एसी है, स्टेला विंडो वाला है, और यहाँ पे देखिए 100% कॉपर, ये सब जो चीज़ है ये सब तो खैर है ही। अब यहाँ पे हम ये जो है अपना टेम्परेचर सेंसिंग वाला जो है डिजिटल थर्मोमीटर यहाँ पे हम ले आए हैं और सिंपली यहाँ पे हम रख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी 5 मिनट हुआ है एसी चलाए हुए और हम यहाँ पे बस इसको रख देते हैं, बस देखते चलिए कि कैसा स्पीड से जो है ये मतलब टेम्परेचर गिराता है। आदमी को गर्मी लग रही है शरीर में भाई, तो ठंडा कैसे होगा? जब तक यहाँ से तुम 5 डिग्री सेल्सियस या 6 डिग्री सेल्सियस नहीं फेंकोगे ग्रिल से, तो रूम को कैसे ठंडा करोगे? 15 यहीं फेंकोगे तो रूम कहाँ से
रूम अभी 30 में अगर रूम है, 28 में, जबकि मैं रात में शूट कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है, रात में शूट कर रहा हूँ, तो कैसे आप दीजिएगा, आप रूम को कैसे ठंडा कीजिएगा? 5 डिग्री सेल्सियस जब यहाँ से नहीं निकलेगा ठंडा, 6 डिग्री सेल्सियस या 7 डिग्री सेल्सियस भी नहीं निकलेगा, तो रूम को कैसे आप जो है 15 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 डिग्री सेल्सियस लाइएगा? रूम तो वैसे का वैसे रह जाएगा, और देखिए आपके आँख के सामने ये जो है फटाफट डाउन होता जा रहा है, ठीक है। इसका भी हमने 18 कर दिया, ठीक है, इसका मिनिमम 18 होता है, और वो जो मेरा एसी था उसका 16 मार्की वाला 16 था, ठीक है। तो देखते चलिए, यहाँ पे बस थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि अब डिजिटल थर्मामीटर है, थोड़ा टाइम ले करके धीरे धीरे देखिए डाउन होता जा रहा है, कम से कम इसमें गिरावट जा रहा है, ठीक है, ये जाता जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी जाता जाएगा, लेकिन वो एसी देखे होंगे आप, 5 मिनट से तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, 5 मिनट से वही 14 का घर नहीं छोड़ रहा, 14 डिग्री सेल्सियस का, तो इतना ही घटिया, इतना ही वाहियात एसी बनाए हो भाई, उससे ज़्यादा तकलीफ हो रही है सर्विस की, सर्विस तो दे दो कम से कम सर्विस, जीप्स पता नहीं इतना ही घटिया अनस्किल्ड मतलब कि टेक्नीशियंस को लाए हुए हैं, विदाउट कोई ना ITI सर्टिफिकेशन किया है, RAC का एक ट्रेड होता है ITI में, कम से कम वो तो देख लो लड़का किया है कि नहीं किया है, भेज दे रहे हो डायरेक्ट पाइप जोड़ दे रहा है, अरे वो तो लड़का, वो तो जो है कस्टमर खुद से जोड़ लेगा, ना वैक्यूम करते हो ना कुछ करते हो, बिना मतलब का परेशान सबको कर रहे हो, देखिए जा रहा है ना, नीचे जा रहा है, वो जाएगा अभी, जाएगा 6 तक जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा देर देखिएगा कि जो मेरे डिस्प्ले है ना, मतलब कि कैमरा का जो ये है, वहाँ भी धुआं धुआं टाइप का लगने लगा, क्योंकि वहाँ पे जो है मतलब वो ठंडा के कारण जो है वो गैस वगैरह सब, ठंडा गैस के कारण, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ठीक है, और ये 10 साल से चला रहे हैं इस एसी को, ठीक है, 10 साल हो गया है और कंटिन्यू चल रहा है, 1 रुपया भी खर्चा नहीं कराया है, ठीक है। अभी मेरा हाथ जो है ये हाथ जिसमें कैमरा पकड़ा हूँ, ये हाथ पूरा ठंडा हो गया है मेरा, एकदम कांपने लगा है, ठीक है। तो ये रिव्यू मैं आपको कंपैरिजन करके कर रहा हूँ कि मार्क्यू का घटिया कितना एसी है, और कस्टमर केयर वाले आपको तो मैं ईमेल जो किया हूँ, आप सुन रहे हैं, अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो जरा सा भी अगर शर्म लिहाज होगा, ठीक है, तो अब और वेट नहीं कराइएगा, सीधे अपना एसी उठा के लेके जाइएगा, ठीक है, अब पूरा का पूरा पैसा रिटर्न दीजिए, नहीं चाहिए हमको, आप इतना ही बता दे रहे हैं। मैं ईमेल भी किया था, ईमेल किया, उसमें बोला भी हूँ कि कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे और रिव्यू वीडियो में सोशल मीडिया पर डालूंगा, ये भी बात बोला हूँ, और ये फिर से बता दे रहा हूँ कि मैं जरूर जाऊँगा, और ये भी बता रहा हूँ, ये सारा जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर मिलेगा आपको, ठीक है। सर्विस सुधार दीजिए, और नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है, सिंपल सी बात है। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी, आप अपना पॉलिसी फ्लिपकार्ट के अति में जो है आड़ में जो है कोई भी पॉलिसी दे करके चिपका दिएगा, नो रिटर्न पॉलिसी, मतलब क्या होता है नो रिटर्न मतलब पॉलिसी, मतलब आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे कस्टमर को, क्या मतलब है? और देखिए यहाँ पे जो योद्धा है, जो मतलब कि जो करने वाला जो जिसका काम होता है, जो अपना काम करने के लिए जानता है, वो अपना काम कर रहा है, देखिए यहाँ पे काम करेगा, ये अभी जाएगा 6 तक जाएगा, क्योंकि ये कैरियर एसी ऐसे ही ब्रांड नहीं है, सिर्फ यही नहीं, इवन दो गोदरेज हो गया, वोल्टाज हो गया, सभी एसी ठीक हैं, बशर्ते एक ये घटिया जो आपका मार्की हो वो अच्छा नहीं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप तो देख ही रहे हैं, और यहाँ पे जो है ब्रांड वगैरह जो है कैरियर देख लीजिए। अरे यार कम से कम एक चीज़ तो करो, नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है मार्की वाले फ्लिपकार्ट वाले, तो कम से कम सीखो तो उसमें अपने अपने जो है जो 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 दलाल जैसे जो टेक्नीशियन भेजते हो, ठीक है, उसको तो कम से कम पता तो होना चाहिए। 5 मिनट के लिए आया था, जब मैंने कंप्लेन किया ना, 5 मिनट के लिए रात में आया 8 बजे, अब बोलता है टाइम नहीं है, ठीक है, तारिक अनवर करके कुछ नाम था उस आदमी का, ठीक है, आया और बोलता है कि नहीं आपका एसी तो ठीक है, और ग्रिल टेम्परेचर मुझे कितना दिखा गया, 14 दिखा के गया, बोलते हैं कि 14 तो आ गया ना, हम बोले भाई उल्लू मत बनाओ, घर जाओ चुपचाप से, ठीक है, मैं फिर से कंप्लेन करूंगा, बोलता है हाँ आप कंप्लेन कीजिएगा। और अभी वो क्या कर रहा है कि बार बार मेरा जो कॉल है वो रिजेक्ट कर दे रहा है, मतलब कि एक तो ब्लॉक लिस्ट में भी डाल दिया, और दूसरा चीज़ क्या किया, वो जो है जैसे ही टेक्नीशियन विजिट के लिए आता है तो वो अपने साइड से कह देता है कि कस्टमर ने रिफ्यूज कर दिया। बताइए तो कस्टमर रिफ्यूज क्यों करेगा, कस्टमर तो काम कराना चाह रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप, तभी से मैं 5 मिनट इसमें भी हुआ, ठीक है, 5 मिनट मैंने स्टार्टिंग का 5 मिनट मार्क्यू का इसी को दिया था, और 5 मिनट मैंने इसका भी वीडियो में, अभी 5 मिनट होने वाला है, मतलब कि 10 मिनट होने वाला, आप देख रहे होंगे 10 मिनट चल रहा होगा, और देखिए 7.7 आ गया है, देख रहे हैं आप, आपको बिलीव नहीं होगा मैं इस एसी जो खरीदा हूँ मार्क्यू का एसी, उसके कारण ही ये डिजिटल थर्मोमीटर मैं परचेज किया, ताकि मुझे ये देखना था कि एसी में प्रॉब्लम है या फिर जो है मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। हालांकि रूम में बहुत ही मतलब कि चलाने एसी चलाने के बाद भी गर्मी फील होता है, मतलब गंजी में रहते हैं हम, ठीक है, लोग तो अभी कंबल में से इस रूम में आपको दिखाएंगे तो कंबल दिखेगा, देखिए यहाँ पे आइए, ये देखिए कंबल लगा रखे हुए हैं, क्यों, क्योंकि
ठंडा लगता है, ठीक है, ठंडा लगता है। और यहाँ देखिए 7.5 आ गया, इतने में ही मुंह पे करारा जवाब मिल गया, ठीक है। अभी ये जो है ना 5.9 तक चल जाएगा, 5.8 तक चल जाएगा। मैंने इस पर और भी शॉर्ट्स वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें मैं देख चुका हूँ, पहले ही देख चुका हूँ। और ये नीचे जाएगा, जाता जाएगा अभी, ठीक है, 5.8 5.9 तक जाके रुकेगा। तो ये हाल है, ये जो है मतलब कि असली सच्चाई है जो कि आप झुठला नहीं सकते हैं। 5 मिनट मैंने वो भी वहाँ भी चलाया, 16 पे चलाया था, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि आप पहले से एसी उसका चला के नहीं रखे होंगे, तुरंत चलाए होंगे, भाई ठीक है। तो 5 मिनट में तो आपने वहाँ मेजर कर लिया ना कितना वो टेम्परेचर दिखा रहा है। क्या 5 मिनट में उसका ग्रिल टेम्परेचर जो है 10 पे नहीं आ सकता था? 14 का 14 ही रह गया भाई, क्यों? 15 था पहले, ठीक है। अब यहाँ 6.9 जाएगा, मतलब कि 6 में आएगा, और मैं जो है इस वीडियो को भी बंद करूँगा। और आप लोग डिसाइड कीजिए कि ये ब्रांड खरीदना है कि नहीं खरीदना है, मतलब कि मार्क्यू वाला जो ब्रांड है खरीदना है कि नहीं खरीदना है। कैरियर हो चाहे गोदरेज हो, ये सब तो आप आराम से लीजिए, वोल्टास पैनासोनिक भी आराम से लीजिए, लेकिन मार्क्यू का एसी एकदम नहीं लीजिए, मैं तो अभी यही कहूँगा। देखिए 6.9 आ गया और मेरा काम ही पे ख़त्म हो गया। चलिए इसको हम खोल लेते हैं, या फिर यहाँ पे होने ही देते हैं, आते हैं थोड़ा देर में, तब तक वहाँ चलते हैं। और गाइज ऑनेस्टली आपको कह रहे हैं, उस रूम से मैं इस रूम अभी आया हूँ ना, मुझे हल्का गर्म फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो है सामने से 7 डिग्री सेल्सियस फेंक रहा था, और ये जो है महानुभाव ये सामने से 15 डिग्री सेल्सियस फेंक रहा है। तो 15 डिग्री सेल्सियस फेंक रहा है, तो रूम को 20 तक ही रखेगा ये। 20 क्या, ये 26-25 तक में ये कर देगा, तो आपको गर्म गर्म ही महसूस होगा। तो फिर एसी का क्या मतलब है? इतना देर से ये एसी चलेगा, कंप्रेसर चलेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या हाल होगा? हाँ, आप जो है इसका ग्रिल टेम्परेचर 14 से नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं, तो ये तो दिन भर चलता रह जाएगा, फिर भी रूम को ठंडा नहीं कर पाएगा। और वो एसी जो था मेरा, अभी दिखाएं आपको, वो 5 मिनट या 10 मिनट में पूरा रूम ठंडा कर देता, कंबल तुरंत ओढ़ना पड़ जाता है। और यहाँ पे तो देखिए आपको कंबल भी नहीं दिखेगा, मेरे बेड पे कहीं कंबल नहीं दिखेगा, देखिए कहीं भी नहीं दिखेगा, दिख रहे हैं? देखिए कहीं कंबल भी नहीं दिखेगा, है ही नहीं कहीं कंबल, कहीं कंबल भी नहीं रखे हैं। तो चलिए आप लोग डिसाइड कीजिए आपको क्या लेना है। अगर आपको लगता है कि डब्बा लेना है तो भाई 30,000 दीजिए, आप बकवा पैसा बर्बाद कर दीजिए, क्योंकि सर्विस भी घटिया है, फ्लिपकार्ट वाले ना मतलब कि रिस्पॉन्स भी नहीं देते हैं, और जो है मतलब 12 दिन करीब करीब हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और रिटर्न पॉलिसी, जाए तेल लेने, कस्टमर जाए तेल लेने, और गर्म लगे चाहे मतलब ये लगे, उससे कोई मतलब नहीं, पैसा उनके पास चले गया, उनका काम खत्म हो गया, डब्बा दे दिए, आप उसी से खुश रहिए, क्या मतलब भाई। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्लिपकार्ट वाले जो आप लोग भी देख रहे थे, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद।